हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भैया आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली आपका परिवार भी सब बढ़िया होगा। वेलकम बैक टू स्टार गेमर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 22 यानी कि FS22। और पिछली बार मैं इस मैप के अंदर लाया था भाई इस ट्रक को और अपने ट्रैक्टर इंडियन 4। तो इस मैप का नाम है माता दा बौका रेंच 2.1 वर्जन। तो अब जल्दी से अपने ट्रैक्टर को उतार लेते हैं यार और ट्रक स्टार्ट करके इसको कर देते हैं एक बार अनफोल्ड, ताकि भाई अपने ट्रैक्टर उतर जाएं। और बेल्ट लगा रखी है क्या? अच्छा, तो बेल्ट भी हटा देंगे ताकि अपने भाई ट्रैक्टर आराम से उतर जाएं। अगर बेल्ट नहीं हटाऊंगा तो ट्रैक्टर उतरेंगे नहीं। तो चलते हैं भाग के सबसे पहले और इसके अंदर। तो यह भाई न्यू होलैंड। वाह भाई वाह, न्यू होलैंड छत्ती थी बढ़िया से हॉर्न के साथ, आराम से भाई आराम से। तो इसको अभी लगा देते हैं शेड के अंदर ही। और यहाँ पे अपने पास शेड बहुत सारे भाई, बाहर भी इसमें बहुत सारे शेड दे रखे हैं भाई ने, तो बहुत ही बढ़िया मैप बनाया है। तो इसको लगा देते हैं अभी यहाँ पे। एक अपना ट्रैक्टर हो गया फिट। अब चलते हैं भाई जॉन डियर के पास और उसको निकालते हैं बाहर। और भाई अपना हीरो आज मैंने इसकी भाई मूछें लगा दी हैं अपने सिद्धू मूसे वाले भाई जैसी, उनकी याद में। अब वो तो नहीं रहे भाई इस दुनिया में यार, बहुत ही दुखद हुआ उनके साथ जो भी हुआ। तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, क्या करें वो। तो ये भाई अपना जॉन डियर। और भाई इसकी गदर लाइट ने शाइट ने देखो, और बीकन शिकन भी जलते हैं इसमें जी। तो इसकी अगली लाइट ने जल्दी, पता नहीं क्या दिक्कत है, चलो बाद में सेट कर लेंगे। तो आज मैं चला रहा हूँ ऐसी कीबोर्ड से यार अपना स्टेयरिंग व्हील। ओ ओ भाई, स्टेयरिंग व्हील अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने रख दिया था उतार के थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैं चला गया था जरा कहीं। तो आज देखते हैं क्या क्या काम कर सकता हूँ मैं इस मैप के अंदर अपने। इसके अंदर हमारे पास भाई शीप, काओ, पिग और चिकन वगैरह सब दे रखे हैं। और ये भाई अपना कौन सा था, मैसी फर्गुसन था 283। ओ भाई ज़बरदस्त हॉर्न के साथ है ये भी, चलो उतारते हैं इसको भी आराम से। इसकी थोड़ी सी ब्रेक में दिक्कत है, इसकी ब्रेक थोड़ी कम लगती है। आ जा भाई आ जा। और इसको देखता हूँ आगे। हाँ आगे भी भाई शेड है, तो शेड इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो हम इसको अभी यहाँ पर तो जगह ही नहीं है भाई, यहाँ पर भी जगह नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अभी तो यहीं पे खड़ा कर देते हैं, बाद में देखी जाएगी। बस बस ठीक है, आ जा सीधा भाई। ओके थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा बस बस बस। तो अब रह गए अपना आखिरी चोटा। तो इसकी ब्रेक थोड़ी सी कम है, मैंने बताया ना आपको। तो भाई अपना स्वराज चोटा मारते हैं यहाँ से छलांग और सीधे चलते हैं अपने स्वराज चोटे के अंदर। ये भाई अपना स्वराज 855। और ओह भाई गदर ही इसकी तो, ओह इसकी तो भाई लैटे शटे देखो, क्या ही गदर है यार। सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है भाई अपना स्वराज 855। उतारते हैं इसको और ट्रक को भाई हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, तो ट्रक को कहीं और लगा देते हैं। तो स्वराज के साथ मैं काम करने वाला हूँ आज, इसको मैं अभी यहीं पर खड़ा कर देता हूँ, अभी इससे मुझे काम करना है। ओके तो भाई इससे अगर मैप के ऊपर नज़र मारें और फार्म लैंड यानी अपने पास जगह है इतनी, तो ये अपना घर हो गया, ये छोटा सा एक खेत है, एक मिनट, तो ये गोल सा बीच में खेत है और यहाँ पर है अपनी मुर्गी वगैरह। और ये अपने पास है खेत चावल के, तो यहाँ पर हम कद्दू भी कर सकते हैं जो यानी कि मिट्टी को नरम करके उसमें फिर चावल लगा सकते हैं। और देखते हैं एक बार इसको। तो भाई यहाँ पे देखो चिकन के 3 भाई ने लगा रखे हैं कूप चिकन के, और ये एक हो गया भाई शीप का, और बहुत बढ़िया सा है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है देखना पड़ेगा। और ये है भाई काओ का, बहुत बढ़िया बार लगा हुआ है। और यहाँ पर अपना लगा हुआ है सोअर का पिग, तो इनको बाद में करेंगे। ये अपने पास एक जगह है खेत, और अपने पास ये अभी हम इसको, एक मिनट, अच्छा ये खेत भाई ख़रीदना पड़ेगा, कितने का है, 4 लाख रुपये का। और ये है भाई 7 लाख का, तो ये भी खरीद सकते हैं वैसे तो। एक मिनट, इसको अपने पास और कोई खेत तो है नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो अपने पास जगह थोड़ी बढ़ जाएगी, और यहाँ पीछे शायद घास लगी है। तो अपने पास ना तो काऊ है ना कोई जानवर है, और हमें पैसा भी कमाना है और जानवर भी अपने पालने हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। हाँ भाई मुझे बार बार शॉप पर जाना पड़ेगा, इसमें शॉप है ना बहुत दूर है। तो एक काम करता हूँ मैं कि चलता हूँ किस में, इस कहाँ पे गया भाई, कंस्ट्रक्शन।
इसमें चलते हैं साइलो के अंदर और देखते हैं साइलो साइलो नहीं साइलो नहीं सॉरी 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 शेड साइलो कहाँ पे गया भाई ये, इसके अंदर नहीं है। कंटेनर, तो कंटेनर में चलते हैं। और ये मैंने लगाया है मल्टी फ्रूट बाइंग स्टेशन, तो इसको लगा लेंगे यहाँ पे, घुमा लेंगे इसको थोड़ा सा। और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अरे दीवार के पास नहीं। तो इससे क्या होगा, मुझे भाई फर्टिलाइज़र और बाकी सारा सामान मिल जाएगा। देखो तो ये मल्टी फ्रूट बाइंग स्टेशन। तो अब चलते हैं, अपने पास एक भाई सीडर खड़ा है, छोटा सा है लेकिन चलो देखते हैं कितना काम करता है। और आज मैं लगाने वाला हूँ वीट, क्योंकि भाई वीट खाएगी अपनी मुर्गी और स्ट्रॉ निकलेगी वो खाएगी अपनी काऊ। तो वैसे यहाँ से हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन अपनी अब सारा कुछ अगर बाइंग स्टेशन से ख़रीद लूँगा तो फिर भाई हम क्या करेंगे। इसको खोल लेते हैं एक बार, तो इसकी कैपेसिटी शायद 3-4 हज़ार होगी, देखता हूँ। और चल भाई स्वराज काट दे इधर को, तो ले चलते हैं भाई उसके नीचे। और इसके नीचे जाने के लिए तो 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। चल पीछे इधर को और इधर। भाई इसके नीचे लाना पड़ेगा ना एकदम सीधा, नहीं तो फिर माल डलेगा नहीं। तो अभी मैं पहले इसको हेल्पर को लगा के आता हूँ, फिर मैं अपना ट्रक वगैरह साइड में लगाता हूँ। वैसे तो ट्रक मैंने किराए पे लिया हुआ है, तो उसको वापस करना पड़ेगा भाई, नहीं तो किराया लगता रहेगा। बस 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 बस, तो आर दबाते हैं लो भाई। अरे वीट भाई इसमें भर गया 1600। और चल, नहीं, आ नहीं रहा। अरे भाई फर्टिलाइज़र क्यों नहीं आ रहा, 1 मिनट थोड़ा और आगे करना पड़ेगा क्या। अरे फर्टिलाइज़र क्यों नहीं डाल रहा भाई, भाई यार नाराज़ हो गया क्या, डाल दे यार। 1 मिनट लगता है ये सीडर में गड़बड़, हाँ थोड़ा सा सीडर में गड़बड़ थी। चलो करते हैं इसको बंद और चलते हैं भाई अपना बाहर। तो यार ये गोल सा खेत है, ये गोल वाला खेत तो समझ में नहीं आया, तो हम चलते हैं इधर। तो खेत अभी मैंने ख़रीदा है, कौन सा है ये, यही है क्या। ओ भाई इसमें तो इतने सारे पत्थर हैं, 1 मिनट उतर के देखता हूँ। तो क्रॉप टाइप अरोज, अरे यार यहाँ तो चावल लगा हुआ भाई, तो ग्रोइंग हो रहा है और अभी ये बड़ा नहीं है, तो वीड वीड ग्रोइंग, तो वीड मारने पड़ेंगे। तो चलते हैं यार, यहाँ पे तो वीड लग नहीं पाएगी, यहाँ तो चावल लगा हुआ। तो देखता हूँ उस गोल खेत के अंदर क्या लगा हुआ है। वो खेत का डिज़ाइन भाई गोल सा है, राउंड राउंड है, उसको सोच रहा हूँ कि डिजाइन करके स्क्वायर कर दूँ। तो ये है भाई अपना खेत, एक इसके अंदर ये डिज़ाइन कैसा बना रखा है और इसके अंदर क्या लगा हुआ देखते हैं एक बार। तो इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये कल्टीवेट करा हुआ। चलो बढ़िया है, कल्टीवेट हमारा ये कर देगा क्या, अभी देखते हैं। तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ से सीधा सीधा, 1 मिनट यहाँ से मोड़ के लाते हैं इसको। चल भाई स्वराज और यहाँ पे इधर, बस ठीक है। और खोलते हैं भाई अपने इसको सीडर को, ये खुला, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, चलो काम चला देगा अपना। और भाई सीजन का मैंने बंद कर दिया सीजन, तो हम किसी भी उसमें कोई भी फसल लगा सकते हैं। तो यहाँ लगा देता हूँ हेल्पर, ये हेल्पर किधर जा रहा है ये हेल्पर। अच्छा भाई हेल्पर अपने हिसाब से लगाएगा क्या, 1 मिनट ये किधर जा रहा भाई, देखता हूँ ये लगाएगा भी कि नहीं। और ये यार ये बीच में मतलब ये क्या आया हुआ, ये नहीं समझ आया, ये जो बीच में डिजाइन बना रखा है इसका नहीं समझ आ रहा। ओ हाँ यार मेरा जो वेब कैम था वो भी पता नहीं कहाँ पड़ा है, मैंने इधर उधर, मैं थोड़े दिन पंजाब चला गया था 1-1.5 महीने के लिए, तो शादियाँ थी बहुत सारी, और वो पता नहीं वेब कैम कहाँ गया, अभी ढूंढ के भाई लगाना पड़ेगा। तो देखता हूँ अभी मिल जाएगा तो, और स्टेयरिंग व्हील भी मैं लगा लूँगा जल्दी कल परसों, फिर उसके साथ खेलेंगे। चलो ये हेल्पर करने लगा अपना काम, चलते हैं एक बार अपने घर पे। और ये खड़ा भाई अपना ट्रक, इसको करते हैं बंद, इसको वापस ही करते हैं यार, क्या करना है। लेकिन ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें जाना पड़ेगा चावल वगैरह काटने हैं उसके लिए, क्योंकि इतनी दूर तक हार्वेस्टर लाया जाएगा नहीं। ओ भाई ये कट भी जाएगा यहाँ से, कट जाएगा। ओहो रुक 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 भाई, इसकी ब्रेक बहुत ही ज़्यादा कम है,
ट्रक तो बनाया भाई ने, लेकिन ब्रेक बहुत कम बनाई है, बहुत मुश्किल से ब्रेक लगती है। चल चल काट दे भाई, एक मिनट यार, एक स्किट, फुल कटिंग करनी पड़ेगी भाई। ओ भाई ट्रेलर पलट गया, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, कोई बात नहीं आराम से आ जा भाई, आ तो गया, आ गया आ गया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो एक मिनट इसको करते हैं भाई अनफोल्ड, देखता हूँ इसके ऊपर अपना भाई जो हार्वेस्टर है वो चढ़ जाएगा, क्योंकि हार्वेस्टर को लेके जाना पड़ेगा यार, बहुत दूर है अपना खेत जहाँ पर लगे हैं चावल। तो चावल का हेडर ये पड़ा, और ये हेडर किसका है भाई, ये कॉर्न का है क्या? हाँ भाई ये कॉर्न वाला हेडर है ये। अच्छा एक मिनट यार, अपने स्टोर में देख लूँ मेरे पास घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहाँ पर होती थी यार, मैं तो भूल ही गया, एक सेकंड, व्हीकल स्टोल ऑब्जेक्ट पैक, अरे मेरे कहाँ गए घर वाला, अच्छा ये था भाई। तो ये हार्वेस्टर है, इसकी कैपेसिटी देखता हूँ एक मिनट, 14,000 की है। और चलते हैं एक बार ट्रॉली को देख लेता हूँ, ट्रॉली चावल वगैरह नहीं उठाएगी क्या? अच्छा ये ट्रॉली है, ये भाई सारा कुछ मल्टी फ्रूट है, तो ये ट्रॉली कुछ भी उठाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, 22.5 मीटर, मतलब 22.5, यानी कि 22,500। ये ट्रॉली है कहाँ पर? ये तो दूसरी ट्रॉली है, ये ट्रॉली कहाँ गई, दूसरी ट्रॉली कहाँ पे खड़ी है भाई, है मुझे तो नजर ही नहीं आ रही भाई यहाँ पे। उसको भी तो लेके जाना पड़ेगा ना ट्रॉली के साथ भाई, माल भी तो भरना पड़ेगा। एक ये खड़ी यार बाहर, अच्छा अच्छा तो इसमें दो ट्रैक्टर अपने पास फालतू हैं, तो ये लार्ज ट्रैक्टर है इसको बेच देते हैं, क्या करना है। और स्मॉल ट्रैक्टर के अंदर अपने पास वाल्ट्रा है, एक वाल्ट्रा वाल्ट्रा मीडियम ट्रैक्टर, तो ये वाल्ट्रा खड़ा हुआ है, इसको क्या करना है। अपने पास अपने चार ट्रैक्टर इंडियन हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर हार्वेस्टर के अंदर, देखता हूँ ये भाई केस का है, तो अभी तो मैं इससे काम करूँगा, बाद में देखूँगा जब पैसे आएंगे तो भाई ख़रीद लेंगे, अभी तो अपने पास $2 मिलियन भी नहीं है। तो इसको तो भाई लगाना पड़ेगा, तो ट्रक के साथ अभी अपने पास ट्रक है भाई, मैंने पैसे खर्चे हुए, अभी उसका किराया लग रहा है मेरे को। और आ जाए भाई पीछे करते हैं, इसको अटैच कर लेगा, देखते हैं, चल कर ले, अरे भाई अटैच क्यों नहीं कर रहा, हाँ कर रहा, एक मिनट काम करते हैं, इसको अटैच नहीं करते, इसको ऐसे ही चढ़ा देते हैं, उसको अटैच करेंगे ट्रैक्टर के साथ, इसको लगाते हैं भाई इसके ऊपर, और इसको ले चलते हैं चावल वाले खेत पे भाई, सीधा करना पड़ेगा नहीं तो चढ़ेगा नहीं। एक भाई आ गया, आ गया आ गया आ गया, लिया लिया लिया, आ जा आ जा आ जा, शाबाश, गुड गुड गुड, और आगे और आगे भाई, और आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे ट्रैक्टर भी लेके आना पीछे से, बस ठीक है ओके। ओ भाई उतर गया मैं छलांग मार के, और अब चलते हैं जॉन डियर ले लेते हैं अपना, और जॉन डियर के साथ चलते हैं इसको लेके भाई, इसके हेडर को भी तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं काटूंगा कैसे भाई, हाथ से तो कटेगा नहीं चावल, इससे ही काटना पड़ेगा हेडर से। जॉन डियर की भी थोड़ी सी ब्रेक में गड़बड़ हो रही है, चलो कोई बात नहीं, सबकी भाई सेटिंग होने वाली है थोड़ी थोड़ी, चल चल आ जा पीछे, ओके अब चढ़ाते हैं इसको, देखता हूँ भाई ये आ भी जाएगा, क्योंकि वैसे तो ट्रेलर काफ़ी लंबा है, पर मालूम नहीं है कि कितना आएगा, देखता हूँ आराम से चढ़ा के, चल 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 आ जा आ जा आ जा, गुड चढ़ा दे चढ़ा दे, चल 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 चल, अरे खींच भाई उसको, अरे यार वो कैसे चढ़ेगा ऊपर, देखता हूँ कैसे आएगा, आ गया क्या, अरे यार ये तो नीचे गिर गया भाई, इसको उतार के, इसको तो भाई उठा के रखना पड़ेगा हाथ से, एक मिनट देखता हूँ हाथ से उठेगा, अरे उठा भाई, एक सेकंड। तो इसमें एक टूल है, इसमें कहाँ गया, सुपर स्ट्रेंथ, ओके तो अपने पास सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है, इसको देखता हूँ भाई उठा के, इसको रखना है इसके ऊपर भाई, इसको तो लेके जाना पड़ेगा यार, ये डंडी सी तो इसकी बाहर आ गई, अच्छा डंडी को देखता हूँ अंदर हो जाएगी, अरे यार ये बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है पहले हार्वेस्टर लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं इसको उतार देते हैं भाई नीचे, कोई फ़ायदा नहीं अभी,
जाएगा नहीं, फेल हो गया आइडिया। इसको यहाँ रखते हैं और इसकी डंडी को भाई सीधी कर दूँ ताकि वो आ जाए उसके साथ। बस ठीक है भाई, इसको उतारना पड़ेगा, काम गलत हो गया। इसको उतार देता हूँ अभी फिलहाल फटाफट से। जॉन डियर को मैं ट्रॉली के साथ बाद में लेके जाऊँगा, और अभी जॉन डियर के साथ ट्रॉली लगा देते हैं। अब इधर 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 आगे चल भाई, भाई कहाँ जा रहा है भाई, इधर चल थोड़ा सा, बस बैक। तो ये है भाई ट्रॉली अपनी, देखते हैं ट्रॉली बाद में देख देंगे, बड़ी वाली ले लेंगे। ओके चल भाई, अब इसको उठा और इसके ऊपर रख देते हैं इसकी। अब यार इसकी डंडी में इसकी यार ये दिक्कत है, ये दिक्कत कर रही है। भाई हार्वेस्टर को लाना पड़ेगा एक बार, तभी काम चलेगा। हार्वेस्टर के साथ अटैच करनी पड़ेगी भाई वो, देखता हूँ अटैच करके चढ़ा देगा। ओके ओके ओके, थोड़ा सा आगे कर। ओके अब लाते हैं इसको, अब तो भाई सीधा सीधा आएगा ना। नहीं आ रहा, वो फंस गया यार। एक मिनट थोड़ी स्पीड से लाता हूँ। चल 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 चल, ओ भाई फुल जोर लगा दिया हार्वेस्टर ने। नहीं यार बहुत दिक्कत है यार। तो भाई हार्वेस्टर को खुद ही लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर, इस ट्रक से तो जाएगा ही नहीं। इतना टाइम खराब करवा दिया भाई इसने मेरा। चलो उठा ले, अब उठा ले उठा ले उठा ले, कोई बात नहीं उठा ले ऊपर को। यार इसकी ये है ना डंडी आगे जो अटैचर इसका, ये गड़बड़ कर रहा है। एक सेकंड कोशिश करता हूँ भाई, इसको लेके जाना तो है, ऐसे रखता हूँ इसको, देखता हूँ। हाँ आगे चलो, आए तो सही, जैसे भी आया। ओ शुक्र है यार आ गया, सही आ गया। अब थोड़ा सा और आगे कर देते हैं इसको उठा के, और थोड़ा सा। अबे भाई उठा ले, नहीं यार ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ छलांग मार। हाँ मार छलांग। हाँ अब यहाँ से पकड़ के ले चलते हैं इसको आगे, उठा। सुपर स्ट्रेंथ भी फेल हो रही है भाई इसके आगे तो, हाथ हो गया। अब आया, चलो जैसे तैसे भी आ गया, चलते हैं अब ट्रक के अंदर। बहुत टाइम खराब कर दिया हमने यहाँ पर, इसको कर लेते हैं बंद, देखते हैं बंद होगा। भाई हो तो गया, बेल्ट लगा लेते हैं और वो खेत देख लेते हैं एक बार किस तरफ को थे। अच्छा ये देखो भाई ने अपना काम कर दिया, यहाँ भी चावल लगाओ ऐसे तो भाई ये तो बहुत ही दूर है, तो यहीं से जाना है और यहाँ से। चलो देखते हैं आ भी जाएगा। अरे यार जगह छोटी है भाई, ये फार्म हाउस तो बनाया है भाई ने, जगह छोटी है थोड़ी सी। आ जा भी, आ जा आ जा, तो चलते हैं इधर से ही। ट्रक भी देखो भाई क्या आवाज कर रहा है, भाई कहाँ गया? ओ भाई कहाँ को घुस गया ये हार्वेस्टर, गिर तो नहीं जाएगा? बेल्ट तो लगा रखी है यार, देखते हैं। अच्छा यहीं से जाना, तो इसको लेके पहुंचते हैं वहाँ पे जल्दी से, देखते हैं। आज कटिंग इसको लगा देता हूँ, अगर आज कट गया तो ठीक है, मुझे लगता गलत जा रहा हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ हाँ ब्रो मैं ओके, तो यहाँ से जाना था इधर को, ठीक है इधर को जाना था भाई। किसी के खेत के अंदर से निकाल लेते हैं, यहाँ तो इस हार्वेस्टर को लेके जाऊँ अगली बार, तो ये अपने आप ही करना, इसको लेके जाना पड़ेगा भाई। ओ यार यहाँ पे भाई, भाई यार यहाँ पे खतरनाक पुल है, उसके ऊपर से कैसे निकलेगा ये ट्रक? ओ भाई रुक, आ गया आ गया आ गया, पुल आ गया पुल, अबे रुक जा भाई पुल आ गया। ओ भाई पिछली बार यहाँ फंस गया था मेरा ट्रक बहुत ही बुरी तरह, देखता हूँ अब निकल जाएगा कि नहीं। ये देखो इसका ट्रेलर बहुत बकवास है, नीचे लग जाता। अबे पू 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 ज़्यादा मत कर, ले आ ले आ ले आ ले आ। अबे यार फिर फंस गया, भाई ये ना जाए बहुत मुश्किल है भाई, ये ट्रक नहीं जाएगा। ये ट्रक का ट्रेलर जो है ना ये बहुत बकवास है, नीचे है
ये फंस जाता। आजा आजा आजा, ओ नहीं नहीं नहीं, नीचे मत जा, नीचे चला जाता भाई, अभी तो कांड होने वाला था इसका। ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। ये कहाँ फंस रहा है भाई? ओ यार ये नीचे फंस जाता है। भाई ने पुल बनाया तो है लेकिन थोड़ी सी कमी छोड़ दी, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। एक बार और कोशिश करता हूँ भाई, नहीं तो छोड़ देता हूँ। आगे आ गया यार, अब तो काफी आगे तक आ गया था भाई। एक बार फुल स्पीड पे लाता हूँ ये। ओ नहीं, फिर नहीं आ पा। चलो एक काम करते हैं भाई, नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत। चल भाई उतार, उतार यहीं पे उतार दे, जंगल में उतारना पड़ेगा लगता है आज। ये किसी का खेत है भाई यहाँ पे। एक काम करता हूँ, बस 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 बस, लो भाई इसको खोल, ट्रक को खोल लेते हैं भाई। ये नहीं जा रहा, बहुत कोशिश कर दी मैंने, तो इसके अंदर ही जाना पड़ेगा खुद। चल भाई पीछे को, ओ अभी उतरेगा कैसे? ओ भाई हार्वेस्टर ने ट्रक ही पलटा दिया। और इसको लगा लेते हैं, इसको अटैच करना पड़ेगा यार। ये अटैच कर लेगा इसको ऊपर से ही? कर तो देगा वाह बेटा। ओ भाई ओके भाई, ट्रक से तो काम नहीं बना, ट्रक तो वापस ही करना पड़ेगा। और एक मिनट इसको तो खोल दूं। चल भाई छोड़ दे इसको, चलो इसको करते हैं अटैच। चावल काटना तो मुश्किल हो गया भाई आज बहुत। और वीट वाले ने पता नहीं क्या कर दिया इसकी। कहाँ गया भाई इसका, इसका डंडी कहाँ गई इसकी? अबे यार नजर ही नहीं आ रही, ये बहुत दिक्कत है भाई खेतों में काम करना। देखो ये रही ये रही, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई भाई मिल गई। अटल हो गया, अटैच हो गया। अब चलते हैं इसको लेकर रोड पे। कहाँ था पुल? इधर ही। अच्छा अभी हार्वेस्टर तो निकल जाना चाहिए, कि हार्वेस्टर भी अटक जाएगा तो फिर भाई काम कैसे होगा? ओ रुक 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 रुक, ओ भाई 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 वापस चल, वापस चल। यार ये जाना आना का बहुत समस्या है, तो सीधा कर सीधा कर सीधा कर, नीचे चला जाएगा नहीं तो। आजा 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 आराम से पीछे कर भाई। ये मैप वैसे तो बहुत ही बढ़िया बनाया, लेकिन ये जो पुल वगैरह बनाया ना भाई ने, ये नहीं सही। हाँ आ गया आ गया आ गया भाई, पूरा पूरा पुल है, नाप नाप के बना रखा भाई ने। ले आ ले आ ले आ, आराम से भाई, हेडर नीचे चला जाएगा। आ तो गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, चल 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 निकल गया भाई। अरे यार उस ट्रक का जो ट्रेलर है ना वो भाई, या तो ट्रेलर दूसरा लेना पड़ेगा या फिर कुछ और चक्कर कुछ और करना पड़ेगा। इस हार्वेस्टर की स्पीड तो 17 की है, देखो 32 की है वैसे तो यार। चलो कहाँ है अपने खेत भाई, खेत कहाँ चले गए? आ गए आ गए भाई, लेफ्ट में ही सीधा जाके ही। ओके यहाँ चलते हैं नीचे यहाँ से। ये क्या लगा रखा है, ये क्या चीज़ है? यही खेत है क्या अपने? नहीं ये तो किसी और का भाई, कितना बड़ा खेत है। तो ये है भाई अपने खेत। अबे कहाँ है? एक मिनट यार देखने तो दो भाई, आगे क्या आ गया भाई? भाई खेत पे जाने का रास्ता कहाँ है? यहीं से निकाल। हाँ निकाल निकाल, ओ शुक्र है यार पहुंच गया। ओ भाई तो, ओ यार ये तो किसी और के हैं, अपने खेत और आ गए। कौन से खेत थे अपने भाई? ये 20 नंबर खेत है, बहुत बड़ा है ये। $170 कट गए। अच्छा भाई हेल्पर काम कर रहा है ना, वो पैसे काट रहा है, पैसे कट रहे हैं। अच्छा तो ये खेत भाई 3-4 हैं। अच्छा अपने खेत भाई वो हैं सामने,
यार ये इतने सारे जंगल है यहाँ पर, समझ ही नहीं आ रहा कि अपना खेत किधर है और बाकी दूसरा खेत किधर है। तो 20 नंबर खेत है ना, इसको सबको खरीदना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पहुँचे भाई हम चावल, और चावल देखते हैं उतर के, इसको बंद कर देते हैं, अब तो पहुँच ही गए। तो लो भाई ये ओन्ड भाई हैं है? भाई ये अपना नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अपने अपने खेत दूसरे हैं, अपने खेत कहाँ गए? अच्छा भाई ये अपने हैं जहाँ पर ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। चलो ये भी पता लग गया भाई, अभी पहली पहली बार आए ना इसमें, अभी पता नहीं है कि रास्ता किधर से है। ओ तो ये देखो बीच में से रास्ता बना रखा, बहुत बढ़िया। तो ये खेत तो है 20 नंबर, लेकिन इस 20 नंबर खेत के अंदर बहुत सारे खेत हैं, तो चार लोगों के पास है ये। ओ भाई नहर भी है यहाँ पे, तो पानी की नहर है भाई, बहुत बढ़िया सी देखो। और यहाँ पर ये खेत अलग अलग हैं, चार पाँच हैं। चलो इसको लगाते हैं सेंटर पे पहले, इसको अटैच तो कर लूँ। हाँ इसका मुंह इधर है। ओके ओके चलो भाई, अब लाते हैं हार्वेस्टर को पीछे और देखते हैं चावल पका हुआ अभी है। आ जा भाई बाहर, तो आ जा। तो भाई ये अभी ग्रोइंग है, अभी पका नहीं है, तो इसको पकाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन में पक जाएगा। अभी इसको मैं पीछे लगा के अटैच तो कर दूँ। तो चावल अभी अपना पका नहीं है और दूसरा भी पक रहा है, तो हार्वेस्टर को भाई खुद ही लेके जाना पड़ेगा। ट्रैक्टर उसमें तो ट्रेलर में तो फंस रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ पीछे 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 पीछे। चल भाई ओके, इसको करते हैं अटैच। तो मतलब ये जो आसपास खेत हैं सारे, ये छह खेत दे रखे हैं अलग अलग, ये अपने हैं। लेकिन ये भाई 20 नंबर खेत है ये सारा। अब ये 20 नंबर में एक दो तीन चार टुकड़े हैं, तो सिर्फ अपने पास एक ही है। इसको अगर हमें खरीदना है तो अलग से खरीदना पड़ेगा भाई, $4,00,000 का। और ये पूरा, अच्छा ये एक खेत पूरा है, तो ये 20 नंबर है, चार खेत। चलो छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। अभी तो इसको पका नहीं है, मुझे थोड़ा सा आगे करके टाइम को इसको पकाना पड़ेगा। अभी एक दो दिन में पकेगा या क्या होगा। और वहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा हुआ, देखते हैं पानी निकलता है क्या इसके अंदर से। और भाई पीछे मुझे मोबाइल टावर नज़र आ रहा है एक बहुत बढ़िया सा। अभी तो पानी ही नहीं है क्योंकि अभी चावल अपना निकल चुका है। और देखते हैं इसको, एक्शन मैंने कर दिया है, पानी आया नहीं अभी। पानी तब आएगा भाई जब ये फसल कट जाएगी, पक जाएगी, कटने के बाद फिर शायद पानी निकलेगा। तो फिर इसको कद्दू करके दोबारा खेत यहाँ पे दोबारा से हम चावल लगा सकते हैं। चलो अभी तो चलते हैं वापस और देखते हैं भाई इस हेल्पर, अरे यार इसने तो काम ही नहीं करा। अच्छा तो भाई इसने काम छोड़ दिया है। और देखो तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वीट लगा लेता हूँ और वीट पकाएंगे फिर, मतलब वीट पक जाएगी तो उसको काटेंगे, और अगली बार वीट और भाई अपना चावल दोनों काटेंगे। और आज का वीडियो बस इतना ही बना रहा हूँ मैं छोटा सा, और आज थोड़ा सा टाइम ख़राब हो गया अपना बीच में क्योंकि ट्रक फंस गया था, और ट्रक को मुझे वापस करना है। तो ट्रक को एक मिनट वापस कर देता हूँ, यार किराए पर है अपने पास, तो वो वैसे भी वहाँ जंगल में खड़ा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोडर को भी वापस कर देते हैं, जब ट्रक ही नहीं रहा तो लोडर का क्या करेंगे। ठीक है तो फिर करेंगे अगली बार काम, मैं वीट वीट लगा के तैयार करता हूँ और फिर चावल काटेंगे, फिर देखेंगे कद्दू वद्दू कैसे होगा। तो इस यहाँ से कमाएंगे थोड़े से पैसे, $50,000,000, फिर नया मैप खेलेंगे। इसके साथ साथ मैं FS19 भी खेलता रहूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि जो गेम्स लोग नहीं देखते जैसे स्नो रनर कम देखते हैं, तो उनके गेम प्ले ना बनाऊँ, सिर्फ फार्मिंग के गेम, फार्मिंग खेलेंगे, मतलब फार्मिंग वाले वीडियो बनाएंगे, यानी कि फार्मिंग सिमुलेटर 22 और फार्मिंग सिमुलेटर 19 खेलेंगे बस। इसके अंदर अच्छे अच्छे मोड जो नए आए मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। और अभी मेरे पास बहुत सारे और आइडिया भी हैं, आइडिया है मेरे पास बहुत सारे, उनको उनके वीडियो भी मुझे बनाने हैं। चलो यार ये था आज का गेम प्ले, काफ़ी दिन बाद बनाया और 3 साल हो चुके हैं भाई मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दिया करो जल्दी से और लाइक कर दो वीडियो, शेयर कर दिया करो। और आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, काफ़ी दिन बाद खेल रहा हूँ तो कई बटन वगैरह याद नहीं रहे, कोई बात नहीं धीरे धीरे सब हो जाएगा। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो और भाई एकदम मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।